नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां एक किसान की जमीन, जी हां किसान की, कम से कम भी 90 लाख की जमीन है, जिस पर 17 लाख का लोन लिया जाता है। जी हां, 17 लाख का लोन लिया जाता है, और उस 17 लाख लोन चुकाने के लिए 90 लाख की जमीन ही बैंक ले लेता है। जी हां, आप ये बात इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 17 लाख और 90 लाख में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। सड़कों पर किसान उतरे आपको ज़रूर नज़र आ जाएंगे। आज जो है डीसी ऑफिस पहुँचे हैं, जिला सचिवालय पहुँचे हैं, जहाँ पर जो है अपना ज्ञापन देने के लिए ज़रूर आए हैं, और इस ज़मीन को किसी भी हालत में जाने नहीं देंगे। सभी किसान एक किसान के समर्थन में उतरे हुए आपको नजर आ जाएंगे। आपसे अपील रहेगी, लगातार वीडियो को आप शेयर जरूर करें। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि पुलिस बल जो है जरूर तैनात कर दिया गया है। जी हाँ, ये देख सकते हैं और वहाँ पर आइयो, कई सारा प्रशासन आ जाओ, कई दूसरा देश भी आ जाओ, नहीं डरेंगे। और देखिए क्या होगा, गुस्से में नहीं, जमीन तो हमारी माँ है, उसने नहीं जान देंगे, नहीं जान देंगे, पहले मर जाएंगे, मर जाएंगे। कौन ले रहा यह सरकार, तू सिंह और मर जाएंगे बेटे, नहीं जान देंगे, नहीं जान देंगे। अब वो तो नीलामी करके अब कैसे नहीं जाने, नीलामी हो जाएगी क्या, नीलामी हो जाएगी क्या, माफी जमीन की नीलामी हो जाएगी क्या, मर जाएंगे बेटे। वो तो हमारी माँ है, उस पता मर मिटना तैयार है, अंग्रेज दबा दिए लेकिन बोली नहीं उड़ देंगे, अन्ना जान देंगे, सारे आएंगे, हम उस पर मर जाएंगे, लाश बिछ जाएंगी और बिल्कुल मत आएंगे। ये दुश्मन चौटाला रही है, भूमि माफी है, इससे कब्जा ऐसे कैसे हो जाएगा, कब्जा कैसे हो जाएगा, सतारा भी बैंक ने बना दिया। हाँ जी हाँ जी, उन्होंने लड़के सारा कुछ लड़के कराए बैंक ने, और इन्हें वकीलों ने करके, इसका जो वकील है उसने करके, नहीं बोली हुई कुछ नहीं हुआ, नहीं मेरे साइन नहीं रजिस्ट्री की, मेरी लोन लिया था कितने समय से आप नहीं दे रहे थे, 11 लाख लोन था और 17 लाख इन्होंने बुलाया था, उसमें ये सारा करके इन्होंने सारा षड्यंत्र रचा हुआ है। कितने समय से आप किससे नहीं पे कर रहे थे, ये किसमें, हम दूध की मेरी पेमेंट उसमें दूध आता था, गाय का दूध आता था सारा, उसमें पेमेंट मेरी उसमें खाते में जाती थी, पेमेंट सारी वहीं जाती थी, रेगुलर जा रही थी। ये 2007 में लिया था, 2007 में। हाँ जी, अब क्या नीलामी हो चुकी है? हाँ, नीलामी इन्होंने अपने गुपचुप कर ली है, नहीं कोई चौकीदार का, कोई नहीं कोई तहसीलदार का, कोई बिना नोटिस के। ये क्या कीमत है उस जमीन की? उसकी 50 लाख एकड़ की है, एक एकड़ की। हाँ जी, 50 लाख, सवा दो किले है। हाँ, सवा दो किले, 1 करोड़ से ऊपर, 1.25 करोड़ की है। सवा करोड़ की है, आप लोन चुका नहीं पाए थे आप लोग? हाँ, जो लोन चुका रहे थे, गए का बीमा था वो भी खा गए सारा। किस्त कब गई थी आपकी? वो किस्त अब 14 से पहले जो लंबी किस्त जा रही थी, वो बीच में टूट भी जाती है, कोई बीमारी पड़ गई, पशु मर के बीमारी आ गई, फेल हो गया, और बैंक ने कर रखा, फेल होने की वजह से वो सारा काम। कौन सा गांव है आपका? जलाला विरान। तो कोई नोटिस भी दिया था? कुछ नहीं, कुछ नहीं है ना नोटिस है। एक बता, जब पशु मर गए, बैंक ने बीमा कर रखा, और हमारा बीमा पाओ अड़चन अड़ा रहा है, अकबर की कुकरी ने बीमा नहीं मिला, और बीमा हो रहा जी भी, सारे पशु मर गए, मौके पर जाकर देख लिए, और हम उसकी किस्त भी देना तैयार है, मिल रही सरकार भगत है, सारे सारे मिल रहे, नू को नहीं जान दे वो हमें, तो कब कब्जा दे देंगे? अरे कब्जा को नहीं देवे, कहे उड़ा सारे मर जाए, कब्जा को नहीं दे, सरकार को क्या चेतावनी दे रहे हैं? तो देख सकते हैं कि बताया जा रहा है जमीन जो है वो नीलाम जरूर हो चुकी है, कल जो है पुलिस बल भी वहां पर पहुंचा था, फिलहाल किसानों ने उन्हें कब्जा लेने नहीं दिया, और अभी भी ऐसा कहा जा रहा है। आपको फिर से बताना चाहूंगी कि कम से कम भी 90 लाख की जमीन है, जिस पर 17 लाख का लोन लिया हुआ था। जी हाँ, ये भीड़ आपको नजर आ जाएगी कि आज किस तरह से जो है किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ताकि वो उस
जमीन पर कोई कब्जा ना हो। आपको फिर से बताना चाहूंगी कि जो नीलाम वो जमीन जरूर हो चुकी है, जी हाँ नीलाम हो चुकी है और उस पर कब्जा लेने की बात अब उठ रही है। तो आपसे अपील रहेगी वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें। सामने से सकते हैं आज जो है ज्ञापन जो सौंपने पहुंचे हैं उस 90 लाख की जमीन पर 17 लाख का लोन था जिस पर उसे कल जो है नीलाम की और पुलिस बल भी पहुंची थी। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 17 लाख चुकाने की एवज में इन्हें किस तरह से 90 लाख की जमीन जरूर देनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ज्ञापन जरूर सौंपते हुए पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पे और उसका ये रिश्तेदार पानीपत से जो भूमाफिया का काम कर रहा है उसने करनाल में आके जिस प्रकार से ये 2.25 एकड़ देवेंद्र काद्यान रिश्ते में जीजा लगता है उसने अपने भाई के नाम दीपक काद्यान के नाम ये जमीन करवाई है। बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से 90 लाख की जमीन है कम से कम और ये करवाई है 17 लाख रुपये में उसने अपने नाम। ये दुष्यंत चौटाला और उसके सारे रिश्तेदार भी अपना जोर लगा लें, किसी भी प्रकार इस जमीन को हम जाने नहीं देंगे। उस दिन भी नहीं कब्जा होने दिया और आगे भी नहीं होने देंगे। और ये जो भू माफिया का गैंग बना हुआ इस प्रदेश में दुष्यंत चौटाला उसका करता धरता है उनके शर्म से डूबने की बात आज उप मुख्यमंत्री के पद पे बैठा है और उसके रिश्तेदार और वो सारे मिलकर किसानों की जमीन वहाँ पर कलेक्टर रेट डीसी रेट 25 लाख रुपए किले का और 7.25 लाख रुपये में उसने किला लेने का काम किया। तो ये गुंडागर्दी बदमाशी बिल्कुल नहीं चलने देंगे। उसके जो रिश्तेदार हैं ये पानीपत से वो भी कान खोल के सुन ले, यहाँ जमीन में नहीं घुसने देंगे चाहे जितनी ताकत है तुम भी लगा लेना। अब ये लड़ाई केवल ऋषपाल सिंह की नहीं है, ये पूरे सभी किसान वर्ग की है, पूरी किसानी कौम की है। ये जो इनकी गुंडागर्दी है ये इस प्रकार से जगह जगह जो ऐसी ज़मीनें हैं उन पर गिद्ध नज़र है दुष्यंत चौटाला और उसके रिश्तेदारों की उसके साथ वालों की। हम ये चीज़ किसानों की ज़मीनों पे कब्जा नहीं होने देंगे। उसके लिए मुख्य अब डीसी से भी ज्ञापन भी दिया है मुख्यमंत्री का नाम और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक वो इन भाइयों में आकर के या इस किसान से भी मिलकर और पंचायती तरीके से इसका मसले का हल कर ले वरना इसके ज़्यादा हालात खराब हो जाएंगे। आज पूरे प्रदेश का नहीं देश का एक एक किसान इस किसान के साथ खड़ा है। बीमारी के चलते पशुओं की भी मौत हो गई थी और इंश्योरेंस भी था लेकिन इलाहाबाद बैंक के मैनेजर पर ही जो किसान है वो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी मिली भगत से वो इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं हो पाया मिला नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं सुनते ही अधिकारी, आपकी बात सही है और ये बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते, ये सिर्फ लेना जानते किसान को जब लोन में एडजस्ट करना चाहिए उसमें नहीं नहीं लोन में ही किस्त एडजस्ट होती है बीमे की। तो ये बिल्कुल इससे बड़ी और क्या लापरवाही होगी, किसान को पता नहीं चलने दिया और गुपचुप तरीके से सारे कागजात पूरे करके और ये इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया। हम जब ये बात चलेगी आंदोलन चलेगा तब बैंक मैनेजर को भी इसमें आना पड़ेगा, उसकी ही सबसे बड़ी ये साजिश है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से किसान पहुंचे हैं, हाथों में उस किसान का पोस्टर भी लिया हुआ है जिनकी वो जमीन है। फिर से बताना चाहूँ कम से कम भी 90 लाख की जमीन है जिसको 17 लाख में नीलाम कर दिया गया है। जी हाँ पुलिस भी पहुंचती है वहाँ पर कब्जा करवाने के लिए। तो इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ जो है उस जमीन की कीमत है और उसे कितने में बेचा जा रहा है। जी हाँ जबकि किसान का कहना है कि वो 17 लाख चुकाने को तैयार है उसके बाद भी जमीन नीलाम कर दी गई है। अब देखने वाली बात रहेगी कि प्रशासन इस मामले में क्या कुछ करता है क्योंकि आज जो है डीसी साहब को ज्ञापन देने भी यहां पर पहुंचे हैं सभी किसान। तो आपसे अपील रहेगी वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें। तो देख सकते हैं किसान जो पहुंचे हैं आपसे यही अपील रहेगी कि आप वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें। फिलहाल की ये तस्वीरें हैं, अब देखने वाली बात रहेगी कि आगे क्या कुछ जो है इस मामले में रहेगा क्योंकि डीसी साहब को ज्ञापन जरूर सौंपा गया है लेकिन वो जमीन जो है वो नीलाम हो चुकी है। जी हाँ जबकि किसानों का कहना है कि इस मामले में वो उस पर कब्जा किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। 90 लाख की जमीन है जिसे 17 लाख में नीलाम कर दिया गया। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ जो है करनाल की स्थिति है। तो आपसे अपील वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें। मैं आरती राणा सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।